नेक्स्ट नाइन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल अकरम। ईडी सीबीआई का खेल इस वक्त आम आदमी पार्टी के खिलाफ तू आगे मैं पीछे की स्थिति में चल रहा है और नेताओं को जिस ढंग से सिलसिलेवार तरीके से गिरफ्तार किया जा रहा है, दर्शकों ये कई सवालों को जन्म देता है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के उन नीतियों को लेकर के भी सवाल खड़े होते हैं। आम आदमी पार्टी खुले तौर पर इस बात को कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी 24 के चुनाव में अपनी हार को देखते हुए विपक्ष के उन तमाम मुखर नेताओं को जो संसद के भीतर जो राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लेते हैं और कई बड़े गंभीर सवाल पूछ लेते हैं, दरअसल उनको एक फहरिस्त के तहत गिरफ्तार किया जा रहा है और एक के बाद एक उन्हें जेल में धकेला जा रहा है। इस कड़ी में संजय सिंह का भी नाम शामिल है, इस कड़ी में मनीष सिसोदिया का भी नाम शामिल है और इस कड़ी में अब आम आदमी पार्टी के संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी खींचे चले आ रहे हैं क्योंकि उनके खिलाफ भी दूसरे समन को जारी कर दिया गया है और इस दूसरे समन के जारी होने के बाद ये कहा जा रहा है कि उनका बच पाना भी नामुमकिन नजर आता है। अब आइए लौटते हैं संजय सिंह पर। दरअसल संजय सिंह को दिनेश अरोड़ा के उस गवाही के बाद गिरफ्तार तो कर लिया गया लेकिन ईडी अब तक संजय सिंह से जुड़ा कोई खास सबूत, उनसे जुड़ा सीधे तौर पर कोई साक्ष्य कोर्ट के समक्ष रख नहीं पाई है और दरअसल इसी आधार पर आम आदमी पार्टी को ये उम्मीद है कि संजय सिंह को अदालत से एक बड़ी राहत मिलेगी क्योंकि ईडी जिस ढंग से मनीष सिसोदिया के खिलाफ सबूत नहीं रख पा रही है, जिस तरीके से संजय सिंह के खिलाफ सबूत नहीं रख पा रही है, जाहिर सी बात है कि उनके छूटने पर उनके छोड़ने पर कोर्ट को आदेश पारित करना ही पड़ेगा। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है दर्शकों, क्योंकि जब मनीष सिसोदिया को बिना किसी ठोस सबूत के आधार पर 9 से 10 महीनों तक जेल में रखा जा सकता है तो संजय सिंह के साथ भी कहीं ऐसा ही खेल ना हो जाए, क्योंकि अब तो ये भी कहा जाने लगा है कि विपक्ष के इन नेताओं को इसलिए भी गिरफ्तार किया जा रहा है ताकि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए कम से कम चुनौती हो और जिसकी वजह से वो 2024 का चुनाव आसानी से भारी जो है बहुमत के साथ जीती हुई नजर आए। लेकिन जनता इस बात को समझ रही है, देख रही है और जनता सर्वोपरि है, जनता जिसके हित में फैसला देगी, दरअसल सरकार का हिस्सा वही होगा। संजय सिंह को इस मामले में कब तक राहत मिलती है ये देखने वाली बात होगी। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही, जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़ के साथ।